नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। 15 तारीख दिन मंगलवार को बड़का गांव के प्रखंड मुख्यालय में कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एनटीपीसी, त्रिवेणी कोल माइनिंग समेत कर्णपुरा क्षेत्र में जितने भी कोल कंपनियां हैं उन लोगों के कार्यों के विरुद्ध यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें एक आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, जिसमें 8 सूत्री मांगों को निर्देशित किया गया था। ये मांग क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला मांग था, एनटीपीसी ने अपने पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत जो स्पष्ट किया है वह अपने परियोजना में किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा, इस बिंदु को जनहित में नहीं माना जा रहा है और इसे सुधार करने के लिए रखा गया, और एकल विस्थापित परिवारों को कंपनी स्थायी नौकरी की सुविधा दे, इसके लिए आवेदन में मांग किया गया। दूसरी थी, एनटीपीसी के लिए कार्य कर रहे त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी में कम से कम 80% स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार दिया जाए। यहां स्थानीय का अर्थ यह माना जाए कि जो परियोजना से प्रभावित गाँव है, जो परियोजना से प्रभावित परिवार है। इस कंपनी से परियोजना क्षेत्र के जिन लोगों को पिछले दिनों नौकरी से हटाया गया था उन्हें भी तुरंत वापस काम पर लिया जाए, इसकी भी मांग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में किया गया। अगली मांग थी, परियोजना प्रभावित गांव में बड़े पैमाने पर गैरमजरूआ जमीन की हेराफेरी की गई है। गैरमजरूआ जमीन का मुआवजा देने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा से सत्यापन करवाया जाए तथा गैरमजरूआ जमीन का मुआवजा रैती भूमि के समान दिया जाए। अगली मांग थी, कंपनी के तकनीकी कार्यों को यहाँ के युवकों को प्रशिक्षित कर दिया जाए, यानी कंपनी में जो तकनीकी कार्य है उसके लिए युवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार पर रखा जाए। कर्णपुरा संघर्ष बचाओ बैनर तले जो अगली मांग रखी गई थी वो था, कृषि योग्य भूमि के किसी भी कानून के तहत अधिग्रहित करने का मुआवजा के स्थान पर भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था की जाए। मतलब मुआवजा के बदले अगर भूमि की व्यवस्था हो तो ये और भी अच्छी होगी। केंद्र सरकार से झारखंड में कोल बेयरिंग एक्ट को समाप्त करने हेतु आग्रह भी किया गया, ये भी मांग थी। सातवां मांग था, विस्थापितों के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उनके उचित व विकसित भविष्य निर्माण को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही झारखंड विस्थापन आयोग का गठन किया जाए। ये बड़ी ही विडंबना है कि झारखंड में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है, दुनिया भर की कोल कंपनियां हैं, लेकिन लोग विस्थापित भी हो रहे हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है और सरकार पर का इस पर कोई ध्यान भी नहीं है। तो इसकी भी मांग की गई थी कि विस्थापन आयोग का गठन हो। अगली मांग थी, नौकरी नहीं देने पर सभी एकल परिवार को कम से कम 12,000 रुपये मासिक रोजगार पेंशन दिया जाए। देखिए, ये जो पेंशन अभी देर नहीं दे रही है एनटीपीसी, उसमें ये बहुत ही अच्छी मांग है कि 12,000 रुपये अगर नौकरी आप नहीं दे रहे हैं तो एकल परिवार के हिसाब से 12,000 रुपये मासिक रोजगार पेंशन दिया जाए। एक एकड़ से ऊपर अधिग्रहित जमीन पर इसी अनुपात में यह राशि तय की जाए। तो काफ़ी मांगें अच्छी अच्छी थी और ये जनहित में था ये मांगे, और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़का गांव के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आज के जो धरना प्रदर्शन था इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर मिथिलेश कुमार दांगी कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस मौजूद थे, उसमें जो मुख्य रूप से थे वो समाजसेवी देव प्रसाद महतो जी, अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार जी, समाजसेवी इलियास अंसारी जी और बादम के मुखिया सामाजिक एक्टिविस्ट दीपक कुमार दास जी और तमाम तरह के स्थानीय लोग और गणमान्य लोग उपस्थित थे इस धरना में और जनता के हित में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और दिन भर धरना पर बैठे रहे और शाम को BDO साहब को ज्ञापन सौंपा।